एक दूसरा व्यक्ति मिला तो वहां पे व्यक्ति रो रहा था और रो रहा था ना, तो किसी ने पूछा उससे भाई क्या हुआ। बोलता भाई क्या बताऊं, जिंदगी तो खराब है। और उसने हाथ रख काट लिया, बोलते अब तो जिंदगी खराब हो गई, अब तो सुसाइड करने का सोच लिया है। तो किसी शायर ने कहा है कि दिले और नादान तुझे हुआ क्या है, इस दर्द की दवा क्या है। तो प्रसिद्ध शायर राहत इंदौरी जी ने कहा, उत्तर देते हुए कहा है कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं है, दुनिया में इधर जाने का नहीं। बोलते हैं मेरे बेटे तो इश्क कर लेकिन हद से मुझे जाने का। इसी दर्द की दवा को लेकर गोपाल दास नीरज जी एक कवि हुए हैं, उन्होंने अपनी कविता में लिखा है। उनकी कविता है जीवन नहीं मारा पड़ता है। तो आशा करता हूँ इस कविता से आप अपने अपने दर्द की दवा खुद बखुद ढूंढ लेंगे। तो कविता में लिखते हैं कि छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा पड़ता। सपना क्या है नैन से एक बार सोया हुआ आंख का पान, और टूटना है उसका जो जागे कच्ची नींद जवान। गीली उम्र बनाने वालों, डूबे दिन नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा पड़ता। माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या, आंसू नर निलाम हुए तो समझो पूरी हुई समस्या। कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा पड़ता। होता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोती, जैसे रात उतार चांदनी बहाने सुबह धूप की धूसी। वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, चंद खिलौने के खोने से बचपन नहीं मरा करता। कितनी बार गगरिया फूटी शिकन न आई पर पन खट पर, कितनी बार किश्तियां डूबी चहल पहल वैसी है तट पर। तन की उम्र बढ़ाने वालों, लोग की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझर कोशिश पर कुबन नहीं मरा करता है, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। लूट लिया माली ने कुबन, लूटी ना लेकिन गंध भूल की, तूफानों ने छेड़ा पर खिड़की बंद न हुई थी। अंतिम ये चार पंक्ति उन लोगों के लिए हैं जो बड़े सपने देखते रहे, बोलते हैं कि तू क्या बड़ा बनेगा, इतनी नफरत अपने मन में घोल रखी है। उन लोगों के लिए चार पंक्ति बोलना चाहता हूँ कि नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराजगी से दर्पण नहीं।